जय हिंद भाई सभी को। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप एसएससी जीडी में कम से कम कितने नंबर लाए ताकि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। स्पेशली ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, ध्यान रखिए आपके पास में 15 से 20 दिन का अंतिम समय बचा है। अपना सेफ स्कोर जान लीजिए, उस स्कोर को टारगेट करिए, उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। सारी कैटेगरियों का बता दूंगा, थोड़ा सा देख लीजिए, 2 मिनट का ये वीडियो है। इसमें मैं आपको ये जो कट ऑफ दिखा रहा हूँ ये पिछली है, एसएससी जीडी की पिछली कट ऑफ। उस पिछली बार क्या हुआ था, 3 साल का एज रिलेशन दिया था, इसके कारण कट ऑफ ज्यादा गई थी। लेकिन अगर हम उन्हीं नंबरों को इस बार अपना सेफ स्कोर माने तो सबसे बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार 3 साल की छूट थी। अब यहां पर कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे, सर पोस्ट ऑफ वैकेंसी पिछली बार ज्यादा थी। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप आज से आज तक की कट ऑफ देख लीजिए, पोस्ट ऑफ वैकेंसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ हल्का फुल्का पड़ता है फर्क, लेकिन जो 3 साल की छूट दी गई थी ना वो ज्यादा बड़ी बात थी। क्योंकि उसमें जो बच्चे आते हैं ना वो काफी दिनों से तैयारी किए हुए बच्चे आते हैं, जो मेरिट को काफी ऊपर खींच देते हैं, समझ गए बात को। इसलिए ये जो टारगेट अब मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। पिछली बार उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें तो फिजिकल की गई थी वो 121 गई थी हाईएस्ट। ये किसकी थी? जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की, जनरल और ओबीसी की थी, ध्यान रखना, जनरल और ओबीसी की 121 गई थी फिजिकल के लिए। और जो फिजिकल बच्चे पास हो गए थे, मेडिकल की गई थी 127, यानी 6 अंक बढ़ गई थी। अगर हम यहां बात करें लड़कियों की तो लड़कियों की गई थी 93 लोवेस्ट, ठीक है, और 97 तक चली गई थी। ये एसटी कैटेगरी की लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, लोवेस्ट की तरफ। बाकी जो लड़कियां थी वो 121 से केवल 5 अंक नीचे, यानी 115 के आसपास थी। फिर जो फाइनल कट ऑफ गई थी, यानी कम से कम कितने नंबर पर पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, तो जो 131 नंबर पर बीएसएफ की गई थी, 139 पर सीआईएसएफ की गई थी जनरल कैटेगरी की, 136 पर सीआरपीएफ की गई थी, 133 पर आईटीबीपी और असम राइफल की 124 पर गई थी। यानी पिछली बार यूपी से जिस बच्चे के लगभग मान के चलो 130 के आसपास नंबर थे, उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था ओबीसी और जनरल कैटेगरी से। अगर आप एससी एसटी थे तो भी कम से कम आपके मान के चलो 125 के आसपास नंबर थे या 120 के आसपास, तब आपका सिलेक्शन हुआ। अब इस आधार पे आप अपना सेफ स्कोर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपको बॉर्डर एरिया नक्सल एरिया नहीं लगता है, तो आपको 130 अंक कम से कम अपना स्कोर डिसाइड करना है, इससे ऊपर लाना है। इससे नीचे लाओगे तो चांस नहीं बनेंगे। अगर आप एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 125 नंबर टारगेट करना है। अगर आप लड़की है तो आपको कम से कम यूपी से 120 से 125 स्कोर टारगेट करना चाहिए इस समय, कि मैं कम से कम इतना स्कोर तो ला ही सकूं, ठीक है। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 120, अगर आप जनरल और ओबीसी से तो 125। ये स्कोर आपके लिए सबसे सेफ स्कोर रहेगा। जब कट ऑफ आएगी तब देख लेना ये डाटा, यू का यू रहेगा, ठीक है भाई। जय हिंद जय भारत।